हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बहुत दिनों के बाद बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि एडमिशन चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाया जाए, तो अब मैं एडमिशन सीरीज पूरी लेकर आने वाला हूँ। उस पर कई सारे वीडियोस में लेके आऊंगा, इन डेप्थ पूरा एडमिशन मैं आपको कवर करके दिखाने वाला हूँ अगले कई सारे वीडियोस में। तो बिना टाइम वेस्ट के देखते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें कवर क्या करना है। हमें कवर करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फिर हमें पढ़ना है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हमें पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन हिडन गुडविल, देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, बैलेंस शीट। सो इट्स अ ह्यूज चैप्टर, ऑलराइट क्लास। तो भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ये आई बटन जो दिख रहा है उसको भी क्लिक करके आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के वीडियो में जा सकते हो। इसके 10-12 केसेस हैं जो मैंने सॉल्व करना सिखाया है। वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि सबसे पहले बनाया था वीडियो, लेकिन फिर भी देखने की कोशिश करिएगा, समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे न्यू रेशियो नहीं आया। आज से जो मैं शुरू करने जा रहा हूं वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक क्लास, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तीन तरह से होता है, ध्यान देंगे बेटा। गुडविल अगर कोई पार्टनर प्राइवेटली पे कर दे तब क्या ट्रीटमेंट करेंगे, या कोई नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आ रहा है वो कैश में लेकर आ रहा हो या डज नॉट ब्रिंग इन कैश। हम लोग कर क्या रहे हैं बेटा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जब जो नया पार्टनर है वो गुडविल लेकर आ रहा है बिजनेस में तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करने वाले हैं। ठीक है, मान लेते हैं ए और बी पार्टनर थे, इनके बीच में आपस में रेशियो था 3:2। ठीक है ना, सी एक नया पार्टनर आ गया, मान लेते हैं 1/5 के लिए। ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर भाई। अगर सी नया पार्टनर आया है और वो लेकर आया है गुडविल प्राइवेटली अगर लाता है तो उसके ऊपर कोई भी एंट्री पास नहीं की जाती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ठीक, अगर वो गुडविल कैश में या बैंक के थ्रू लेकर आएगा तो उसका दो ट्रीटमेंट होते हैं। पहली तो आप लाने की एंट्री पास करोगे तो उसे बोलते हैं बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये कौन सी एंट्री हुई बेटा, ये एंट्री हुई जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है बिजनेस में। अब इस गुडविल का करते क्या है, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को आप पुराने पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और याद रखना केवल एक यही पर्टिकुलर चीज है जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, सेकेंड एंट्री देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पुराने पार्टनर्स में। तो पुराना पार्टनर कौन कौन है भाई, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। मैं सिंपल सी एंट्री करके दिखा रहा हूं बच्चे आपको, समझ में। जब अगर वो नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आएगा तो दो एंट्री पास करेंगे, पहली एंट्री क्या उसकी गुडविल लाने की, दूसरी एंट्री क्या उसकी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब देखो यहां पर एक तीसरा केस, मे और मे नॉट अराइव। अगर ये बोला गया है कि गुडविल पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, तब क्या एंट्री पास करेंगे, वो नहीं दे रखा है तो कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। मान लेते हैं पार्टनर्स ने गुडविल विड्रॉ कर ली है, गुडविल विड्रॉन। अगर पार्टनर्स गुडविल विड्रॉ कर लेंगे बच्चे तो क्या एंट्री पास होगी, एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू बैंक, ये विड्रॉ करने की एंट्री हो गई। क्लियर, तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये पूछी हो एंट्री करने के लिए, हो सकता है ना भी पूछी हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता ही नहीं है तब क्या करेंगे। जब नया पार्टनर बेटा गुडविल कैश में लेकर नहीं आएगा तब उसके गुडविल के शेयर को आप उसके करंट अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट करवाओगे। मतलब क्या है, नया पार्टनर गुडविल लेकर आया नहीं तो ये वाली एंट्री तो पास होगी नहीं। अब देखिए हमको गुडविल तो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली एंट्री है देखो ये ऐसे पास होगी। कैसे, मान लेते हैं पार्टनर है सी, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट, यहां पे क्या यूज कर लिया हम लोगों ने, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं,
समझ में आया आपको क्या किया हम लोगों ने? अगर कोई पार्टनर गुडविल कैश, नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आएगा नहीं तो उसके करंट अकाउंट से उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। और याद रखना ये जो करंट अकाउंट का अमाउंट है ना, ये बैलेंस शीट की असेट साइड पर लिखोगे, बच्चे भूल जाते, बैलेंस शीट नहीं मिलती इसीलिए। ठीक है कि नहीं ठीक है, बात समझ में आई कि जो ये करंट अकाउंट का अमाउंट है कहां लिखोगे? बैलेंस शीट की असेट साइड में। जल्दी से ये नोट करो, बढ़ते हैं आगे। ऑल राइट क्लास, तो हम लोग अब आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एग्जांपल के थ्रू समझाने वाले हैं, एंट्री भी पास करके दिखाएंगे और साथ में उसकी पोस्टिंग भी करके दिखाएंगे। तो चलो एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ए इज टू बी, दो पार्टनर्स थे पुराने, इनका आपस में रेशियो था 3:2, सी एक नया पार्टनर आया फॉर 1/5 शेयर के लिए, और मान लेते हैं आपने न्यू रेशियो निकाला, ठीक है ना। और ये काम आपका है, न्यू रेशियो कैसे निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना है, पहले बता भी चुका हूं, तो आई होप आपको न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना आता होगा। तो मैंने यहां पर अज्यूम कर लिया, मान लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो है इक्वल 1:1, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब जो नया पार्टनर है ना सी, वो लेकर आया है कैपिटल, सी ब्रॉट मान लेते हैं 2 लाख एज कैपिटल एंड 50,000 फॉर गुडविल इन कैश। ये क्वेश्चन आ गया कि भाई ये लोग 2 लाख रुपए गुडविल की लेकर, सॉरी 2 लाख रुपए कैपिटल का लेकर आया है और 50,000 गुडविल का लेकर आया है इन कैश, तो इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी और क्या पोस्टिंग होगी, ये मैं सब आपको सिखाने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। चलो भाई देखते हैं, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हम लोगों ने इसके पहले कहां बनाया है बेटा? इसके पहले हम लोगों ने बनाना सिखाया था आपको फंडामेंटल्स के अंदर। ऑलराइट, तीन पार्टनर्स है बच्चे, एबीसी, एबीसी, एबीसी एंड दिस इज पर्टिकुलर्स, 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 दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड, और ये बना रहे हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक मेरी बात मान लो, तो जो भी नया पार्टनर है उसको कुछ ना कुछ साइन बना दिया करो, जैसे कि एक एरो बना दो ताकि पता चल जाएगा कि ये नया पार्टनर है। तो भाई देखो ये क्या लेकर आया है, ये लेकर आया है 2 लाख रुपए कैपिटल का, तो क्या लिखेंगे यहां पर? बाय कैश। और सी लेकर आया है 2 लाख रुपए कैपिटल का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। मैं यहां पर बैलेंस शीट भी बना रहा हूं ताकि साथ साथ आपको पोस्टिंग में सिखाता चलूं। ये है बेटा बैलेंस शीट, ये इसकी लाइबिलिटी साइड, जैसे आप लोगों को पता है 11th बनाते आए हो, एसेट ऑफ अमाउंट थोड़ा शॉर्ट में लिखा है बिकॉज ऑब्जेक्टिव इसमें जर्नल एंट्री पढ़ाना है यहां पर। ठीक है, तो 2 लाख रुपए कैश में लेकर आया, तुरंत एंट्री कर दो। कैश कहां दिखाते हैं हम लोग? बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, 2 लाख रुपीज। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, और फिर वो क्या लेकर आया? 50,000 रुपीज फॉर गुडविल, और इस गुडविल को क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर? यहां लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, किसके बीच में? पुराने पार्टनर्स के बीच में। 50,000 लेकर आया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल इक्वल, तो यहां लिख दिया 25,000 25,000, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और ये 50,000 भी कैश में लेकर आया था, इसलिए कैश में हम लोगों ने 50,000 और एड कर दिया। यहां तक क्वेश्चन रहता तो एकदम सिंपल ट्रीटमेंट था, हम लोग ऐसे करके चले आते। ये एब्स्ट्रैक्ट बता रहा हूं, केवल इतना पोर्शन को पोस्ट करना सिखा रहा हूं। अगर मान लेते हैं इसी में एक लाइन और लिखी होती, क्या लिखी थी? हाफ ऑफ द गुडविल, हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, मतलब क्या है? जितनी भी ए और बी को गुडविल मिली है उसका आधा आधा पैसा उन्होंने विड्रॉ कर लिया। किधर विड्रॉ करेंगे? इस साइड टू कैश। क्यों इधर कर रहे हैं? अगर रिसीव हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर जाएगा, तो उनके अकाउंट से जब कम होगा तो डेबिट साइड पर जाएगा, सिंपल। तो चलो भाई हाफ ऑफ मतलब 12,500 विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ कर लिया तो कैश से कम कर देंगे हम लोग 25,000 रुपीज। समझ आया ट्रीटमेंट? सबको समझ में आ गया? एकदम क्लियर था, ये आसान सा क्वेश्चन दे रखा था। अगर मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं, चेंजेस क्या कर रहे हैं बेटा ध्यान से देखना। अगर यहां लिखे सी ब्रॉड 2 लाख एज कैपिटल, और चलो सर इसकी एंट्री भी तो करके दिखा दूं मैं आपको, वरना कहोगे फिर भी एंट्री नहीं पास की सर आपने। चलो 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 इसकी एंट्री मैं यहां पर पास करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले पहली एंट्री कैपिटल और गुडविल लाने की, तो वो एंट्री कैसे होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, या कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो आप, टू प्रीमियम फॉर गुडविल,
कितना कैश लेकर आया बेटा वो टोटल लेकर आया 2,50,000 शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं 2,50,000 सिंपल एंट्री कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। फिर हम लोगों ने क्या किया प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट ठीक है ना बेटा। कितना कितना एंट्री पास की 50,000 दे रखा था 25,000 हियर 25,000 हियर यहां पे इक्वल क्यों बांटा क्योंकि यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा है 1:1 तो जिस रेशियो में आपका आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और थर्ड एंट्री क्या पास करेंगे बेटा हम लोग थर्ड एंट्री पास करेंगे कैश विड्रॉ करने की गुडविल विड्रॉ करने की तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहां लिख सकते हैं सिंपल एस कैपिटल डेबिट बीस कैपिटल डेबिट टू कैश 12,500 और 25,000 रुपीज। नरेशन क्या लिखोगे बीइंग गुडविल विड्रॉन। यहां तक तो एंट्री तीन आपको समझ में आ गई एकदम सिंपल केसेस थे। जल्दी से ये नोट कर लो मैं तुरंत रद्द भी कर रहा हूं अगर आपको नोट करते समय टाइम लग रहा हो तो पॉज कर लेना वीडियो। अब मैं इस क्वेश्चन में कुछ चेंजेस कर रहा हूं बेटा चेंज देखो मैं इसको रब कर देता हूं चेंजेस समझते हैं। चेंज मैंने ये किया क्वेश्चन में यहां लिखते हैं सी ब्रॉट 2,00,000 एज कैपिटल इन कैश एंड कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल दैट इज 50,000। अब ये क्वेश्चन में क्या हो गया भाई वो सी जो नया पार्टनर आया वो कैपिटल तो कैश पे लेकर आ गया लेकिन अपनी गुडविल को वो नहीं ला पाया है जो भी कितना होती है 50,000 रुपीज। तो अब देखो अब क्या एंट्री होगी और क्वेश्चन में क्या चेंज होगा क्या करेंगे अभी विड्रॉ करने की तो बात आएगी क्योंकि लेकर ही नहीं आए तो इसको हटा दिया मैंने। बाय कैश सी में 2,00,000 तो लिख दोगे एज इट इज कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यहां पर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखोगे यहां क्या लिखोगे बेटा आप करंट अकाउंट यहां लिखेंगे बाय सीज करंट अकाउंट कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यहां पर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ना लिखे क्या लिखा उन्होंने बाय सीज करंट अकाउंट। अब देखो कैश में क्या करोगे वो तो गुडविल कैश में लेकर आया नहीं तो केवल कैश में लेकर आया वो कैपिटल तो आपने 2,00,000 यहां लिख दिया फाइनली और यहां एसेट साइड पे लिखोगे सीज करंट अकाउंट कितना 50,000 रुपीज। मतलब वो जो गुडविल कैश में नहीं लाया है उसको क्या लिखोगे आप एसेट साइड पे सीज करंट अकाउंट। ट्रीटमेंट समझ में आ गया। अब इसकी तो एंट्री बहुत आसान होगी एंट्री क्या होगी पहली कैश में लेकर आया है कैपिटल तो क्या लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल सिंपल एंट्री होगी ना बेटा 2,00,000 रुपीज। अगली एंट्री क्या हो जाएगी प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या एंट्री होगी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू पुराने पार्टनर्स कौन है एस कैपिटल टू बीस कैपिटल सिंपल यहां लिखेंगे 50,000 बच्चे और यहां 25 और 25 एकदम सिंपल ट्रीटमेंट है। अभी इसी के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं आपकी बुक में मैं अगर आप डीके गोयल बुक फॉलो कर रहे हो तो बेटा आपको करने होंगे टिल 28 तक क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैंने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें मैंने ये बताया था आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। उस वीडियो का भी लिंक मैं इस वीडियो के साथ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप देख सकते हो कि कौन कौन से हमको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब एक आपको यहां पर एक छोटा सा एक नोट बता रहा हूं अभी तो यहां पर क्या है यहां पर ना कैपिटल फिक्स बोली है ना कैपिटल्स बोली है कि फ्लक्चुएटिंग है तो जब भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया होता है तो हम ये मान लेते हैं कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया जाता कि ए और बी की कैपिटल्स फिक्स्ड हैं उस केस में जर्नल एंट्री में थोड़ा सा चेंज आ जाता। चेंज क्या आता जहां पर हम ये कैपिटल कैपिटल लिख रहे हैं ना यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं एस करंट अकाउंट बीस करंट अकाउंट बस इतनी सी बात याद रख लो क्योंकि सारे एडजस्टमेंट उस केस में हम कहां पे कर रहे होते करंट अकाउंट पे। ये कहां सिखाए हम लोगों ने फंडामेंटल में। फंडामेंटल की वीडियो नहीं देखे हैं तो भाई देखो उसी प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है आपके लिए समझ में आई बात आपको कोई डाउट तो नहीं। अब बढ़ते हैं इसके आगे जल्दी से यहां तक नोट कर लो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर क्वेश्चन में आपको रीवैल्यूएशन बनाने को आएगा ही आएगा। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में चेंज। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में जो भी चेंज आएगा उसको इस रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हमें रिकॉर्ड करना होता है
इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेटा डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। यहां आता है बेटा पर्टिकुलर्स, देन वी हैव अमाउंट, देन पर्टिकुलर्स अगेन, देन अमाउंट। अब बहुत सिंपल से लॉजिक पर ये चलता है, जब कभी भी आपकी एसेट्स कम हो या लाइबिलिटीज बढ़ जाएं, तो आप इसे रिकॉर्ड करोगे डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट पर। क्या बोला मैंने, अगर एसेट्स कम होंगे लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो किधर रिकॉर्ड करेंगे आप, डेबिट साइड पर। लाइकवाइज जब कभी एसेट बढ़ेंगे कॉमा लाइबिलिटी कम होगी तो किधर रिकॉर्ड किया जाएगा, इसको रिकॉर्ड किया जाएगा तब क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। और आपको एक बात बता दे बेटा, आपको बैलेंस शीट में रिवैल्यूड वैल्यू ही लिखनी पड़ेगी, मतलब जो चेंज वैल्यू है उसी को बैलेंस शीट में आप नोट डाउन करोगे। तो भाई मैं ऐसा करता हूं, एक बैलेंस शीट ही बना लेता हूं और आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। बैलेंस शीट ले ली मैंने, ये पता है आपको लाइबिलिटीज है, अमाउंट है, एसेट है और अमाउंट लिख देता हूं। चलो लाइबिलिटीज अमाउंट असेट अमाउंट, ठीक है। चलिए कुछ कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, एग्जांपल यहां पे ले रहे हैं। एग्जांपल नंबर वन मान लेते हैं वैल्यू ऑफ मशीनरी इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 लाख टू 12 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, मशीनरी क्या होता है, असेट। पहले 10 लाख का था, अभी 12 लाख का हो गया। इसका मतलब उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है। असेट की वैल्यू अप्रिशिएट होती थी, किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड पर। यहां लिखेंगे हम लोग बाय मशीनरी, और कितना अमाउंट लिखेंगे, जितने से चेंज आ रहा है केवल उतना ही अमाउंट। कितने से चेंज आ रहा है, 2 लाख। क्लियर। बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, फाइनल वैल्यू, रिवैल्यूड वैल्यू। बैलेंस शीट में कितना रहेगा आपकी, मशीनरी कितने की हो गई फाइनली, मशीनरी हो गई आपकी 12 लाख रुपीज की। तो मशीनरी की वैल्यू आपने बैलेंस शीट में 12 लाख की दिखाई और यहां पर चेंज दिखा दिया। क्लियर कि नहीं क्लियर। अगर मैं इसी क्वेश्चन में लिखूं वैल्यू ऑफ मशीनरी इज इन, अब या अगला ले लेते हैं, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज इंक्रीज बाय, अगर ऐसे लो, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज इंक्रीज बाय 3 लाख, और इनिशियली अगर वैल्यू ऑफ मशीनरी थी मान लेते हैं 10 लाख रुपए, और यहां बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ मशीनरी इज इंक्रीज बाय 3 लाख, तो बाय 3 लाख का मतलब क्या हुआ, इन वैल्यू ऑफ मशीनरी 3 लाख से बढ़ रही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर। वहां पर क्या था, पिछले वाले इलस्ट्रेशन में क्या है, पिछले एग्जाम्पल में क्या बोला मैंने, पहले 10 लाख की थी अभी 12 लाख की होगी, हमने माइनस करके निकाल लिया, 2 लाख का चेंज आया। मैं आप बोल रहा हूं पहले 10 लाख की थी अब 3 लाख से बढ़ गई है, तो सीधा सीधा निकाल के दे रखा है। तब यहां पर क्या लिखोगे, बाय मशीनरी 2 लाख की बजाय कितना लिखोगे यहां पर, 3 लाख रुपए, और वहां मशीनरी कितने की लिखी जाएगी, 12 लाख की नहीं, कितने की लिखेंगे, 30 लाख रुपए। समझ आ रही है मेरी बात, असेट्स की वैल्यू कैसे रिवैल्यू हो रही, समझ में आ रहा है आपको। अब आगे देखो, अगर मैंने ये बोला, यही रब कर लेता हूं बार बार, जगह नहीं मेरे पास इतनी, अगर मैंने ये बोला बेटा स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, अगर मैंने बोला स्टॉक जो कि एक असेट होता है वो कम करके दिखाया हुआ है 10% से, और वैल्यू मान लेते हैं 54,000 है। मैंने क्या बोला, स्टॉक 10% से कम दिखाया हुआ है और वैल्यू कितनी है, 54,000। अब मेरे को ये बताओ लॉजिकली, अगर 10% से कम दिखाया तो कितने परसेंट दिखाया, 90%, तो 100% कितना होगा। अगर मैंने बोला 90% है 54,000, तो 1 कितना हुआ, 54,000 अपॉन 90, तो 100 कितना हुआ, इनटू 100 कर लेंगे बेटा, 9 6 54, तो कितना आ गया, 60,000। अब देखो वैल्यू आपने कितनी थी स्टॉक की, 54,000, होनी कितनी चाहिए थी 60,000, तो 6,000 से वैल्यू आपको बढ़ा देनी होगी। आप क्या करोगे, यहां लिखोगे बाय स्टॉक, इधर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि असेट बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा, 6,000 से, और यहां स्टॉक कितना लिखोगे, यहां स्टॉक लिखोगे पूरा 60,000 रुपए। समझ में आ रहा है किस वैल्यू पे आप लोग को ये चीजें रिकॉर्ड करनी है, समझ में आ रही है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं आपकी बुक का, ये एग्जांपल 39 में सॉल्व करवा रहा हूं, थोड़ा बहुत सॉल्व करवाऊंगा। अगर लिखा हुआ है अ लाइबिलिटी, अब देखो लाइबिलिटी लिखा है, क्रेडिटर्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 लाख टू 1,50,000। अभी क्या हो गया, क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं, पहले 1 लाख के थे अभी 1,50,000 रुपए के हुए, तो क्रेडिटर्स बढ़ गए, मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां लिखा टू क्रेडिटर्स,
कितने से बढ़ गया बेटा 50,000। यहां पर चेंज लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखते हैं चेंज, और बैलेंस शीट में फाइनल फिगर, और क्रेडिटर्स अब कितने के हो गए हमारे पास, क्रेडिटर्स हो गए 1,50,000 रुपीज के। तो समझ में आ रहा ना रिवैल्यूएशन कैसे बनाएंगे, रिवैल्यूएशन में बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अभी क्या करने वाले हैं, मान लेते हैं हमको टोटल लगा के बैलेंस लगाना है, तो बैलेंस कैसे आएगा 3 लाख और 6,000 इज 3,06,000, इधर ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा टू प्रॉफिट, मतलब रिवैल्यूएशन में आपको प्रॉफिट हो गया है। 3,06,000 में से 50,000 हटा दो बच्चा लोग, और बचेगा आपके पास मान लेते हैं ये आया 2,56,000। आप 2,56,000 को किससे किससे बीच में बांटोगे, ए और बी, पुराने वही पार्टनर हमने ले रखे हैं, ए और बी कितना रेशियो था 3:2, पुराने पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो 2,56,000 इंटू 3/5, तो इनका तो आ गया 1,53,600। लाइक वाइज दूसरे का कितना आ जाएगा, बी पार्टनर का आ गया 1,02,400, और अगर लॉस आएगा तो बैलेंस इस साइड आएगा। अब ये प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर कैप करता हूं कि क्रेडिट साइड पर, लॉस होता पार्टनर कैप करता हूं कि डेबिट साइड पर। अभी रिवैल्यूएशन की भी जर्नल एंट्री बनाने को आएगी, तो कैसे बनाओगे, सिंपल है, अगर कुछ डेबिट साइड पर लिखा है तो एंट्री कैसे बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, सिंपल। और अगर कुछ क्रेडिट साइड पर लिखा है तो क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो जर्नल से लेजर बना देते हैं अपन लोग, तो लेजर से भी जर्नल बना सकते हैं। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, जल्दी से नोट करिए और बढ़ते हैं अब हम लोग WCR और IFR पर। ऑल इन क्लास, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। बेटा बहुत सारे के रिजर्व्स हमको दे रखे होते हैं क्वेश्चन में, तो एक छोटी सी एक डमी बैलेंस शीट बना रहा हूं बच्चे, एक डमी बैलेंस शीट है ये, और यहां की इसकी लाइबिलिटी साइड पे ना बहुत सारे रिजर्व दिखेंगे, जैसे जितने भी रिजर्व दिख सकते हैं मैं सबकी आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा। एक रिजर्व लिखा मैंने जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, फिर दे रखा है मान लेते हैं यहां पर P&L। P&L जब भी क्रेडिट बैलेंस दे रखा हो तो उसका मतलब प्रॉफिट होता है, वो हमेशा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर मिलेगा, और अगर P&L डेबिट बैलेंस दे रखा है तो वो लॉस होता है, वो हमेशा असेट साइड पर मिलेगा आपको, ठीक है ना। और यहां पर क्या दे सकते हैं, अब यहां पर दो चीजें और आती हैं, एक WCR और एक IFR, तो इसका ट्रीटमेंट आप परेशान हो, इसके ऊपर भी पूरा हम लोग केसेस सॉल्व करने वाले हैं। तो जनरल रिजर्व दे रखा है, रिजर्व फंड दे रखा है, P&L बैलेंस दे रखा है, और मान लेते हैं यहां पर दे रखा है प्रोविडेंट फंड किसका होता है बेटा, इंप्लॉइज का, EPF या PF, ठीक है। तो एक बात आप समझ लो, जितने भी रिजर्व्स होते हैं उस पर हिस्सा केवल पुराने पार्टनर्स का होता है, जितना भी प्रॉफिट है या कोई भी अगर लॉस भी है तो उस पर केवल हिस्सा किसका होगा, पुराने पार्टनर्स का होगा, और पुराने पार्टनर से रिलेटेड चीज पुराने रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, क्लियर है कि नहीं क्लियर। और एक रिजर्व प्रोविडेंट फंड या इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है पार्टनर्स में। क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बिकॉज ये पर्टिकुलर फंड रिलेटेड होता है इंप्लॉयज से, क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो भाई इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं जरा देखो, मैं यहीं पर एक छोटा सा डमी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना रहा हूं, ABC मान लेते हैं, ABC तीन पार्टनर्स हैं और इसमें से नया पार्टनर है सी, और मान लेते हैं पुराना रेशियो जो भी होगा उस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर रिजर्व सारे दे रखे हैं बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर, तो आसान भाषा में क्रॉस पोस्टिंग के हिसाब से ये रिकॉर्ड होंगे सारे के सारे क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज उनको दिया जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम लोग बाय जनरल रिजर्व, शॉर्ट में लिख रहा हूं बाय रिजर्व फंड, और अभी P&L दे रखा है तो बाय P&L, और WCR IFR का भी ट्रीटमेंट नहीं बता रहा हूं, अभी बताने वाला हूं, वैसे उसका भी ट्रीटमेंट इसी साइड किया जाएगा। प्रोविडेंट फंड कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, समझ में आने की नहीं आई बात। और असेट साइड पर अगर कुछ दे रखा है जैसे कि P&L डेबिट बैलेंस, या दे रखी हो कभी गुडविल, या दे रखा हो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, या कोई ऐसा आइटम जिसके ब्रैकेट में लिखा हो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसको क्या करोगे, उसका राइट ऑफ करते हैं हम लोग किस साइड पर, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे यहां पर, टू P&L, टू गुडविल, टू एडवर्टीजमेंट, क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास कर सकते हैं, बहुत आसान सी बात है, कैसे पास करेंगे, इधर की देखो
इधर की एंट्री क्या पास करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, क्योंकि ये क्या है क्रेडिट साइड का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लाइकवाइज इसकी जनरल एंट्री कैसे पास कर सकते हैं, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल टू गुडविल टू एडवर्टीजमेंट। समझ में आया, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद भी जनरल एंट्री पास कर सकते हो, उसके पहले भी पास कर सकते हो। तो उसके पहले कैसे पास करेंगे, पहली एंट्री देखिए, अगर जितने भी रिजर्व हमको लाइबिलिटी साइड पर दे रखे हैं उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पुराने पार्टनर्स, टू ओल्ड पार्टनर्स लिख सकते हैं ना, सिंपल ओल्ड पार्टनर्स में चाहे एबीसी हो डी हो जितने भी पार्टनर्स आपके अकाउंट में लिख सकते हो। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड रेशियो में, ये गड़बड़ी मत कर देना बट ठीक है ना बेटा, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करिएगा। और अगर जितने भी लॉसेस दे रखे हैं हमको असेट साइड पर उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, उसकी एंट्री कैसे पास होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल टू गुडविल टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। क्लियर कि नहीं क्लियर। अब याद रखना अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग अकाउंट से बना रहे हैं तो यही एंट्री पास होगी, और अगर फिक्स अकाउंट होगा तो सारे के सारे ट्रीटमेंट सारे सारे एडजस्टमेंट कहां चले जाएंगे, करंट अकाउंट में। तो वहां पर क्या आएगा, टू ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक, एकदम क्लियर है बेटा। अब मैं बढ़ने जा रहा हूं रिजर्व्स का मेन टॉपिक पर जो है WCR और IFR, और उस पर एक क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे। देखिए मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ा रहा हूं कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्वेश्चन लगाने हैं, साथ साथ में डाउट आएगा मैं बताऊंगा आपको। क्लियर कि नहीं क्लियर, जल्दी से नोट करो यहां तक। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर चार केसेस हैं, एक एक करके मैं सारे केसेस आपको बताने वाला हूं। मान लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें दे रखा है 80,000 रुपीज, और देर इज नो एडिशनल इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन। और एग्जाम्पल में हम लोगों ने वही लिया है, दो पार्टनर्स है ए और बी, 3:2 का रेशियो था इनका, सी नया पार्टनर आया था 1/5 के लिए, ठीक है। सेम केस अगर दे रखा है और WCR 80,000 रुपीज दे रखा है एंड देर इज नो इन्फॉर्मेशन, नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम पूरा रिजर्व पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बांट देंगे। देखिए भैया ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तीन पार्टनर्स है ए बी सी, जिसमें से सी नया पार्टनर है, ए बी सी ए बी सी, सी नया पार्टनर है, तो ऐसे एरो लगा लिया, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड। ऑलराइट, हमने क्या किया, पूरा WCR उठाया और यहां लिखकर बांट दिया बाय WCR। आप WCR भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका शॉर्ट फॉर्म ऑथेंटिकेटेड है। 80,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 80,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 इज 48,000, और माइनस 80,000 32,000 डिस्ट्रीब्यूट करना आया। क्या किया ये समझ में आया, हमने पूरा WCR बांट दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, इसकी एंट्री बनेगी, पहली एंट्री यहां लिख दे रहा हूं, WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है यहां पर, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। क्लियर ना, सारे रिजर्व बढ़ते हैं पुराने पार्टनर्स में, और कौन सा रेशियो यूज होता है, पुराना रेशियो 80,000 48,000 एंड 32,000। क्लियर बेटा लोग, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ये तो पहला केस सिंपल हो गया। अब केस नंबर टू पर आते हैं, केस नंबर टू है क्लेम ऑन, अभी वाला केस नहीं इन्फॉर्म ये हटा दो, अब केस नंबर टू पढ़ते हैं, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज मान लेते हैं 30,000। इसका मतलब क्या हुआ, हमने रिजर्व बनाया था वर्कमैन को पैसा पे करने के लिए, इंप्लॉइज को पैसा पे करने के लिए 80,000 रुपए का, लेकिन उसमें से कितना लोग पैसा लेने आए, कितना पैसा लेने के लिए आए, कितना क्लेम आया 30,000 रुपीज। इस केस में क्या करेंगे, मेरे पास एक्स्ट्रा रिजर्व जो बचेगा वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे बांट देंगे, बाकी एडजस्ट कर देंगे। तो उसका इसकी एंट्री देखिए, अब ये एंट्री तो समझ में आ गई आपको, इस एंट्री में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, इसको रब कर दू, इसकी एंट्री समझते हैं बच्चे लोग, बहुत ध्यान समझेंगे। WCR अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज टू प्रोविजन फॉर क्लेम ऑन WCR,
टू प्रोविजन फॉर क्लेम ऑन WCF प्रोविजन कितना हो गया 30,000 रुपीज। अब मेरे पास एक्स्ट्रा कितना पैसा बचा बच्चा लोग, अब एक्स्ट्रा पैसा बचा मेरे पास 50,000, वो हम बांट देंगे पार्टनर्स में। कैसे बांटेंगे? टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल। कितना बचा 50,000। अब बेटा 50,000 को इंटू 3 डिवाइड बाय 5 तो 30,000 और 20,000। इसका मतलब अब ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे बाय WCR 30,000 और 20,000 केस नंबर 2 में, ठीक है। अब देखो एक ट्रीटमेंट आपको और करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लेम आ गया ना तो ये आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी, तो बैलेंस शीट बनाओगे आप और साथ साथ बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर लिख दोगे क्लेम ऑन WCR कितना, जितना क्लेम है 30,000। मैंने आपको बताया कि सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन की पोस्टिंग मिनिमम दो बार की जाती है, तो दो बार कैसे पोस्टिंग हुई, एक तो क्लेम हमने यहां से एडजस्ट कर लिया, दूसरा आपने बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर दिखा दिया। ट्रीटमेंट समझ में आ गया, एंट्री भी समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं, जल्दी से नोट कर लो। बढ़ते हैं थर्ड केस पर, अभी ये वाला केस नहीं आया, अब आते हैं थर्ड केस पर, केस नंबर थर्ड। उसमें दे रखा है क्लेम ऑन WCR इज इक्वल्स टू 80,000। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा लो, इसका मतलब ये हुआ कि जितना रिजर्व था उतना ही क्लेम है, तो पार्टनर्स में बांटने के लिए कुछ अमाउंट बचेगा ही नहीं, तो एंट्री क्या पास करेंगे, WCR अकाउंट डेबिट, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम, और पूरा पूरा एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा क्योंकि रिजर्व बचा ही नहीं है। और लाइबिलिटी साइड और बैलेंस शीट में कितना क्लेम लिख देंगे, क्लेम था पूरा 80,000 रुपीज। ठीक, एकदम समझ में आ गई बात, बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। केस नंबर 1, 2, 3 एक ही क्वेश्चन में कैसे चेंज कर रहा हूं, समझ में आ रही ना बात, क्लियर है। हमारे पास क्या हुआ, WCR जितना था उतना ही क्लेम हो गया, जब उतना ही क्लेम हो गया तो पूरा एडजस्ट कर देंगे, पार्टनर्स में बांटने के लिए कुछ पैसा बचेगा नहीं, तो हम लोग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पूरा पूरा क्लेम लिख देंगे। यहां तक तो केस बड़े आसान थे, तीसरा केस भी हो गया, अब बढ़ते फोर्थ केस पर। लिखा है क्लेम ऑन WCR 1,00,000। अब क्या करेंगे भाई साहब, मेरे पास रिजर्व था 80,000 रुपए, ठीक, और मेरे को क्लेम आ गया है 1,00,000 रुपीज का। इसका मतलब क्या है, मेरे पास 80,000 रुपए ही हैं लेकिन मुझे पे करने हैं 1,00,000 रुपए, इसका मतलब 20,000 रुपए की लाइबिलिटी बढ़ गई है। तो जब भी लाइबिलिटी बढ़ती तो कहां आता है, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर। तो एंट्री देखो पहले क्या करेंगे, WCR अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना रिवैल्यूएशन में आ जाएगा बेटा 20,000 रुपीज टू प्रोविजन फॉर क्लेम, टू प्रोविजन फॉर क्लेम कितना दिखाएंगे 1,00,000 रुपीज। अभी मेरे पास पार्टनर्स में बांटने के तो कोई पैसा है नहीं, तो पार्टनर्स में कुछ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नहीं, और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर क्लेम कितना दिखा देंगे बच्चा लो, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में क्लेम आ जाएगा पूरा 1,00,000 रुपए, ठीक है ना। अब जो ये रिवैल्यूएशन है ना, इस रिवैल्यूएशन का हो गया है लॉस, क्योंकि भाई एक्सपेंस था नहीं दे पाए, लाइबिलिटी बढ़ गई, तो ये हो गया रिवैल्यूएशन का लॉस, और रिवैल्यूएशन के लॉस को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भाई, प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड और लॉस होगा तो डेबिट साइड, तो यहां लिखेंगे हम लोग टू रिवैल्यूएशन। कितना आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन में, 20,000 का लॉस है, 20,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बच्चा लोग, तो आ जाएगा 12,000, 8,000। तो इसकी एंट्री क्या पास हो गई हमारी, सेकेंड एंट्री क्या पास हो जाएगी बेटा, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है बेटा लोग, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यहां आ जाएगा 12,000, 8,000, 20,000, ठीक। लेकिन अगर कभी फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा तो आप पूरा रिवैल्यूएशन सॉल्व करने के बाद पोस्टिंग करिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। WCR का पूरा पूरा कहानी आप समाप्त हो चुकी है, अब मैं बढ़ने जा रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जल्दी से नोट करो। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसको हम लोग IFR भी कहते हैं बेटा। अब IFR में भी चार केसेस हैं, वो एक एक केस में आपको समझाने वाला हूं। एक एग्जांपल नोट करते हैं बेटा, एक एग्जांपल के तौर पर मैंने एक बैलेंस शीट बनाई है,
जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 30,000 रुपीज और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है 5,00,000 रुपीज। आइए समझते हैं और सारी चीजें वही है, ए और बी पुराने पार्टनर 3:2, सी नया पार्टनर 1/5 के लिए। अब लेकिन समझते हैं क्या है, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कुछ कमी आएगी, हमने बनाया क्यों है रिजर्व, अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कुछ कमी आएगी तो जितना भी डेफिशिएंसी का अमाउंट है वो सारा अमाउंट हम रिजर्व से एडजस्ट कर लेंगे। अगर मेरे पास सरप्लस रिजर्व बचेगा तो पार्टनर्स में बांट देंगे और अगर मेरे पास सरप्लस रिजर्व नहीं बचेगा तो पार्टनर्स में नहीं बांटा जाएगा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप्रिशिएट कर रही है तो अब आपको रिजर्व से एडजस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक एक केस करके सारे सॉल्व करने जा रहा हूं। पहला केस देखते हैं बेटा। पहले केस में अगर नो इन्फॉर्मेशन दे रखी हो और मार्केट वैल्यू इज 5,00,000, मतलब क्या, अगर क्वेश्चन में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी हो या इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो यही ट्रीटमेंट करने वाले हैं। क्या ट्रीटमेंट होगा, मैं यहां पे बना रहा हूं आपके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC और नया पार्टनर है बच्चा लोग सी, ठीक है ना। दिस इज क्रेडिट साइड, दिस इज डेबिट साइड और एक बैलेंस शीट भी बना लेता हूं, ठीक। आइए एंट्री करके दिखाते हैं। मैंने क्या किया, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है 5,00,000 और बुक वैल्यू भी कितनी है उसकी 5,00,000, तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ तो मैं पूरा IFR पार्टनर्स में बांट दूंगा। किधर बांटूंगा, यहां लिखूंगा बाय IFR और 30,000 को अपन लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में, तो 30,000 × 3/5 = 18,000 और 12,000, क्लियर अगेन क्लियर। और मार्केट वैल्यू की ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है 5,00,000, तो 5,00,000 ही दिखा देंगे। इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी बेटा, देखो IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, सिंपल। पहला केस तो सिंपल हो गया भाई, कितना आ जाएगा यहां पर आया IFR कितना दे रखा 30,000 रुपीज, यहां पर आ गया 18 और यहां पर आ गया 12। एंट्री पास करनी आ गया आपको, कोई दिक्कत वाली बात हो रही, बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, समझ लेना, समझ तो रहे होगे क्या बनाता हूं मैं। चलो भाई ये समझ में आ गया, तो पहला केस तो क्लियर। अब आते हैं सेकंड केस पर। सेकंड केस लिखते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,85,000। अब समझो भाई क्या हो रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई है 4,85,000, तो कितने से फ्लक्चुएट हो रही है, कितने से कम हो रही है। पहले 5,00,000 थी, अभी 4,85,000 हो गई, मतलब 15,000 से वैल्यू कम हो रही है। तो हम लोग IFR से 15,000 रुपए एडजस्ट कर लेंगे, बाकी का बचा 15,000 हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री देखो बेटा, एंट्री देखिए फटाफट से, एंट्री क्या बनेगी देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 30,000 का मेरे पास रिजर्व था बेटा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मतलब जितना भी आपकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है टू इन्वेस्टमेंट, कितनी वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है 15,000, बाकी का बचा हुआ 15,000 कहां चला जाएगा, पार्टनर्स के बीच में टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, क्लियर के निकले। तो 15,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3/5 = 9,000 एंड 6,000। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी, यहां लिखेंगे IFR, यहां लिखेंगे 9,000 और यहां लिख देंगे 6,000 और बैलेंस शीट पे कितना इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे 4,85,000, जो भी मार्केट वैल्यू होती है वही बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। समझ में आ गया आपको, केस नंबर टू भी आ गया, बढ़ जाऊं अगले केस पर आऊं। केस नंबर थ्री देखो, केस नंबर थ्री ये भी समझ में आ गया, केस नंबर थ्री पे आते हैं। मार्केट वैल्यू अगर इन्वेस्टमेंट की हो गई, मान लेते हैं 4,55,000, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी होगी बेटा 4,55,000, इसका मतलब फ्लक्चुएशन कितना हो गया, पहले तो 5,00,000 की थी, अभी होगी 4,55,000, इसका मतलब 45,000 रुपीज का फ्लक्चुएशन आ गया। लेकिन रिजर्व कितना है मेरे पास, रिजर्व तो 30,000 रुपए, तो जितना हम रिजर्व से एडजस्ट कर सकते हैं एडजस्ट करेंगे, बाकी हमारा असेट कम हो गया। असेट कम होता है तो कहां जाता है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर, ठीक है ना बेटा। आइए इसकी एंट्री पास करके देखते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट
कितना है 30,000। अभी देखो रिवैल्यूएशन डेबिट, क्योंकि रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर क्या आता है, या तो लाइबिलिटी बढ़ जाए या एसेट कम हो जाए। एसेट कितने से कम हो रहा है, जितना आईएफआर से एडजस्ट कर सकते हो करो, बाकी का आप किसमें डाल दोगे, रिवैल्यूएशन में कितना आएगा 15,000 रुपीज। क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। पार्टनर्स में बांटने के लिए कुछ पैसा बचेगा नहीं, तो यहां क्या लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा 45,000। तो ये एंट्री तो पास करनी आपको आगे। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, यहां पर बाय आईएफआर तो लिखेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, रिजर्व बचा ही नहीं। इन्वेस्टमेंट कितने की दिखाओगे आप मार्केट की, मार्केट में 4,55,000 रुपीज। अब जो ये रिवैल्यूएशन का जो लॉस आया ना 15,000, कहां बांटोगे, यहां पर टू रिवैल्यूएशन कितना आ जाएगा 9,000 और 6,000। इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या एंट्री पास होगी बेटा, ए डेबिट, ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, टू रिवैल्यूएशन। क्लियर है ना, 9,000, 6,000, 15,000। चलो भाई बड़े समझ में आ गया। केस नंबर 3, केस नंबर 4 पर आ जाए, रफ करते हैं ये। केस नंबर 4 क्या है, आइए देखते हैं भाई। केस नंबर 4 में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई, मार्केट वैल्यू हो गई मान लेते हैं 5,50,000। ओ माय गॉड, यहां पर क्या हो रहा है भाई, वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, पूरा पूरा रिजर्व पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो यहां लिखेंगे बाय WCR पूरा पूरा बांट देंगे। तो कितना था भाई, 30,000 रुपए था, तो कितना आएगा 18,000, 12,000। पूरा पूरा रिजर्व बांट दिया। इन्वेस्टमेंट असेट में कितने की दिखाएंगे आप, 5,50,000, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू ये है। अभी असेट क्या हो रहा है आपका, अप्रिशिएट। असेट अप्रिशिएट करता है तो किधर जाएगा, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है बच्चा लोग, कितना अमाउंट आया, कितने से रिवैल्यू हो रही है, कितने से बढ़ गई 50,000 रुपीज से। अभी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया 50,000 रुपए, तो कहां जाएगा, पार्टनर्स की क्रेडिट साइड पर बाय रिवैल्यूएशन। 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो 50,000 को 3:2 में बांट देंगे इंटू 3 / 5, तो 30,000 और 20,000। अभी जनरल एंट्री बनाना कितना आसान हो गया, जनरल एंट्री पहली बन गई। अब रिजर्व को बांटने की एंट्री देखो, रिजर्व को बांटने की पहले भी एंट्री कर चुके हम लोग, IFR डेबिट टू ए टू बी, ठीक है ना। फिर रिवैल्यूएशन को बांटने की एंट्री क्या हो जाएगी भाई, रिवैल्यूएशन डेबिट टू ए टू बी करनी आ गई ना। मैं अमाउंट भी लिख रहा हूं, लेकिन समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया अब सारी चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं है इस वीडियो में। यहां तक कि जितने भी सम्स अब आपको लगाने हैं बेटा, सारे क्वेश्चंस लगाइए। आई होप अब आप 50 तक क्वेश्चन लगा लेंगे अपनी डीके गोयल की किताब से। सारे एक एक क्वेश्चन लगाओ, एक इलस्ट्रेशन लगाओ, साथ में क्वेश्चन लगाओ, इलस्ट्रेशन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, 50 तक सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज डू मेंशन द कमेंट सेक्शन, या आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप ज्वाइन करना है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं आपको ग्रुप में एड कर लूंगा। ऑलराइट क्लास, या आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। All right, class. Thank you. This was Shubham Jagdish signing off.